अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह का आया तूफान। ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। घातक से घातक विस्फोटक से विस्फोटक गेंदबाज अफगानिस्तान का यहां पर रिंकू सिंह और शिवम दुबे और रोहित शर्मा के आगे पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसाया रोहित शर्मा के बल्ले ने, इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की जिसको देखकर हर कोई चौंक गया और रोहित शर्मा को खड़े होकर के अच्छे से अच्छा खिलाड़ी इनको सलाम ठोकने लगा। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि जो कप्तान बल्लेबाज पहले T20 के मुकाबले में जीरो से आउट हुआ और दूसरे T20 के मुकाबले में भी जीरो पर आउट हो गया, उस बल्लेबाज ने, उस कप्तान ने तीसरे T20 के मुकाबले में 106 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। और हम बात करें रिंकू सिंह की और शिवम दुबे की तो ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से वो भी अपने शतक के काफी ज्यादा करीब थे। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच को किस तरीके से जीता है। पूरा का पूरा अगर आप लोग लाइव हाईलाइट मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका यहां पर अफगानिस्तान की टीम को दे दिया। आप सभी को बता दें कि घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने को उतरे, जहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने मैदान पर जैसे ही कदम रखा तो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से शुरुआत की, जहां पर रोहित शर्मा ने छक्के से शुरुआत की और बता दिया कि हम खेलना भी जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं। अफगानिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर रोहित शर्मा ऐसे टूटे कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इनके सामने गेंदबाजी करूं तो करूं कैसे। पहले दूसरे T20 के मुकाबले में यह बंदा पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, लेकिन इस बार तीसरे T20 के मुकाबले में इतनी करामाती से विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है कि हमारे हर एक गेंद पर छक्के चौके से बात कर रहा है। हिटमैन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी थर्रा उठे, क्योंकि यहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से महज 38 गेंदों में अपने 106 रनों की नाबाद पारी खेल डाली, जिसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन तीसरे T20 के मुकाबले में यशस्वी जायसवाल 21 रन बनाकर के आउट हुए, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कह जाने वाले, इंडिया टीम का दिल कह जाने वाले विराट कोहली मैदान पर भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पहुंचे, जहां पर विराट कोहली काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अच्छी लह में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे, जहां पर उन्होंने रोहित शर्मा का कुछ ही देर तक साथ दे पाया, लेकिन वो भी यहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों का शिकार बन बैठे। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी तो करते रहे, जहां पर उन्होंने 2 ओवर में काफी बेहतरीन तरीके से अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन विराट कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और 28 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गए। 28 रन बनाने के बाद मैं आप सभी को बता दूं कि विराट कोहली कैच आउट धोखे से हो गए, क्योंकि वो तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बॉल बाउंड्री के भीतर ही रह गई। लेकिन अभी रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में और विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। रोहित शर्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था, क्योंकि रोहित शर्मा को किसी भी हाल में इस T20 के तीसरे मुकाबले में अपनी शतकीय पारी खेलनी थी। रोहित शर्मा ताबड़तोड़ घमासान विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। विराट कोहली के आउट होते हुए मैदान पर वो सनसनी सी छा गई, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला इस कदर चल रहा था कि अच्छो अच्छो की बोलती बंद कर रहा था। हालांकि विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और यहां पर रोहित शर्मा का थोड़ी देर तक साथ निभाया, लेकिन विराट कोहली के आउट होते हुए ऐसा घमासान विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गया, जिसने यहां पर रोहित शर्मा का बखूबी साथ दिया और यहां पर साथ देते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। जी हम बात करने वाले हैं घातक विस्फोटक बल्लेबाज जिनका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी और रोहित शर्मा का साथ दिया। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाने शुरू कर दी। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक ऐसी बल्लेबाजी की कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया, जहां पर यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह एक घातक विस्फोटक बल्लेबाज जिसने दोबारा आकर के बता दिया कि हम खेलना भी जानते हैं खिलाना भी जानते हैं। संजू सैमसन भी कांप उठे ऐसी बल्लेबाजी देखकर। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही छक्के से शुरुआत की और इतनी घमासान विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की
कि अफगानिस्तान का एक एक गेंदबाज थर्रा उठा। जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, संजू सैमसन आउट हो गए, तो यहाँ पर रिंकू सिंह ने और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कोहराम मचा दिया और ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया। आप सभी को बता दें कि 14वें ओवर में रिंकू सिंह ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और रिंकू सिंह ने 14वें ओवर के 6 गेंदों पर 6 लगातार छक्के जड़ दिए और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जो है धूल चटा दी। आप सभी को बता दें कि अफगानिस्तान का घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज 14वें ओवर में जो है काफी ज्यादा परेशान हो गया कि जिस गेंदबाज ने 14वें ओवर का पूरा ओवर डाला था उस गेंदबाज को जो है यहां पर रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से धो दिया और 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, पर आप सभी को बता दूं कि जो युवराज सिंह का रिकॉर्ड बना था वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी टूट गया, 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। यहां पर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अंगद की तरह पैर जमाए हुए बैठे थे। आप सभी को बता दें कि इन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की और यहां पर रोहित शर्मा ने 100 से रन ज्यादा ठोक दिए, जहां पर अब 15वें ओवर में घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हिटमैन रोहित शर्मा आउट हो गए। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब 15वें ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा आउट हुए और भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब रोहित शर्मा आउट हुए और यहाँ पर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे आ गए। जहाँ पर शिवम दुबे और रिंकू सिंह की जोड़ी ऐसी है जिन्होंने वर्ल्ड कप यानी कि T20 का पहला मुकाबला भी भारतीय टीम को अपने दम पर जिताया था और दूसरा T20 का मुकाबला शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने अपने दम पर जिताया था और तीसरा T20 का मुकाबला भी अपने दम पर कैसे जिताया आप लोग खुद देखिएगा। यहाँ पर शिवम दुबे ने आते ही मैदान पर तबाही मचा दी और रिंकू सिंह और शिवम दुबे ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, जहां पर पूरे के पूरे 20 ओवर भारतीय टीम के घातक बल्लेबाज खेल गए, जहां पर रिंकू सिंह ने 84 रन बनाए, शिवम दुबे ने 76 रन की नाबाद पारी खेली और रोहित शर्मा ने 106 रन बना दिए। T20 के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम का स्कोर 312 हो गया, जहां पर अफगानिस्तान की टीम उस लक्ष्य का पीछे करने के लिए मैदान पर उतरी और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से आज चिल्ले में बल्लेबाजी करने लगी। लेकिन हर्षदीप सिंह ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया लेकिन उसके बाद 10 ओवर तक भारतीय टीम को एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ और अफगानिस्तान के दो घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रखा था और भारतीय टीम के गेंदबाजों को काफी ज्यादा परेशान कर रखा था। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अफगानिस्तान के बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि यह तीसरा T20 का मुकाबला अफगानिस्तान के बल्लेबाज अपनी झोली में ले जाएंगे जीतकर, लेकिन यहां पर किस तरीके से हर्षदीप सिंह, आवेश खान, रवि विष्णु, अक्षर पटेल ने काफी कातिलाना विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कराई और इन लोगों को तड़पत्तल पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 11वें ओवर में हर्षदीप सिंह को एक विकेट फिर हासिल हुआ, जहां पर 12वें ओवर में यहां पर शिवम दुबे ने एक विकेट हासिल किया, जहां पर 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक विकेट हासिल किया, जहां पर 14वें ओवर में यहां पर रवि विष्णु ने एक विकेट हासिल किया। लगातार हर एक ओवर में एक विकेट छिटकता रहा, लेकिन यहां पर 15वें ओवर के बाद फिर दो घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आए जहां पर उन्होंने अपनी की पारी खेल डाली, लेकिन अब एक पल के लिए ऐसा लगा कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीत कर ले जाएगी, लेकिन फिर ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी कर रहे भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर कहर बरसा दिया और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को 19वें ओवर तक है पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरा T20 का मुकाबला जीत लिया और जहां पर अफगानिस्तान के खिलाड़ी से लेकर कप्तान तक सब भावुक होकर के बयान अपना अपना देने लगे। भारतीय टीम ने यह तीसरा T20 का मुकाबला भी अपने नाम कर लिया और तीनों शून्य से यहां पर अफगानिस्तान को हरा दिया, जहां पर अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान ने भावुक होकर के बयान दिया कि भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत टीम है और भारतीय टीम से जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भारतीय टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा, शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से हमारे गेंदबाजों को किस कदर धोया हमें पता है। भारतीय टीम काफी दिग्गज टीम है और अफगानिस्तान बात इंडिया की नहीं है, हार जीत की नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत टीम है। ऐसी टीम को हम दिल से सलाम सल्यूट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। हाईलाइट मुकाबला फिलहाल आज आपको 17 जनवरी को यानी कि आज को देखने को मिलेगा। ये इनके बीच टेस्ट डेब्यू मैच खेला गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।